असलकम हजूर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा एक क्लास फेलो है जो, कि ए सी एस है मैं पूछता है कि अगर गो अगर गोड एग्जिस्ट करता है तो वो पीपल इन नी नीड को ऐसे मदद क्यों नहीं करता ऐसे है।, है? जो पीपल इन नी नीड है उनको सफ़र क्यों करने देता है हर एक नीड को पूरा को नहीं करता है? जी। तो उसे सवाल है कि अल्लाह ताला ने ये तो कहा है कि मैं हार को मुहैया करता हूँ ठीक है इस्लाम का खुदा ये कहता है ना उसे को अगर तुम्हारी अल्लाह ताला ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा होता तो दुनिया में बहुत सारे लोग जो गरीब मुल्कों में रहते हैं वो सर्वाइव किस तरह कर रहे हैं जिंदा किस तरह रह रहे हैं हाँ ये ठीक है किसी को कोई कम खाना मिलता है किसी को किसी को ज़्यादा मिल जाता है लेकिन उसमें भी लॉ ऑफ नेचर भी तो काम कर रहा है ना वो तो बेचारा अभी तुम्हारी उम्र का ही होगा ना ग्या, दस ग्यारह साल का उसको तो उसने अपने अब्बा से अबा अम्बा से सुना कि खुदा नहीं एग्जिस्ट करता उसको एक्सपीरियंस आती तो कोई नहीं ना कॉक को, को गुदा की एग्जिस्टेंस के और भी बड़े सारे सबूत हैं हम अहमदी हैं हम ये यकीन रखते हैं कि खुदा है ठीक है हम दुआ करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हमारी दुआ कबूल होती काम हो जाता है मैंने मुझे तो तुम्हारी उम्र से भी उससे दुआ का तजुर्बा है कि दुआ की तो अल्लाह ताला ने मंजूर कर ली तुम भी दुआ की होगी कभी तुमने तुम्हारी कोई दुआ कबूल हुई होगी हुई ना तो तुम उसको बता सकते हो अगर कोई खुदा नहीं है तो मैंने एक दुआ की और वो मेरी कबूल होगी जो मेरे इख्तियार में नहीं थी बात वो भी पूरी हो गई तो अल्लाह ताला तो एग्जिस्ट करता है बाकी रह गई ज़रूरियात उसके लिए फिर एक लॉ ऑफ नेचर भी काम कर रहे हैं अगर उसके माँ बाप घर में बैठे हुए हैं और हाथ पैर ही नहीं ला रहे काम ही नहीं करते और कहते हैं अल्लाह ताला आएगा और मुंह में डाल दे हमारे और बच्चे भूखे मर रहे हैं तो वो अल्लाह का कसूर नहीं है वो उन लोगों का कसूर है उसके माँ बाप का कसूर है वो काम नहीं करते अगर वो काम करें वो मेहनत करें तो उनको खाने को मिल जाएगा अब ये देखो यूरोप है जो एडवांस मुल्क हैं डेवलप्ड मुल्क हैं ये किस लिए डेवलप हुए हैं इसलिए कि यहाँ लोग मेहनत करते हैं हमारे एशियन या अफ्रीकन मुल्क जो बाज़ हैं वहाँ लोग मेहनत नहीं करते काम नहीं करते और कहते हैं कि हमें उसी तरह मिल जाए यहाँ देखो तुम सुबह सात बजे लोग घर से निकलते हैं रात को नौ बजे ऑफिस से वापस आते हैं ठीक है ना जिन लोगों के माँ बाप यहाँ काम कर रहे हैं उनको पता है बल्कि टैक्सी भी और कुछ चला रहा है तो आठ दस घंटे को काम करता है तभी पैसे मिलते हैं तभी तुम्हारे स्कूलों की फ़ीस भी पूरी होती है तभी तुम्हारे कपड़े भी बनते हैं तभी तुम्हारे घर में खाना भी सही मिलता है तभी तुम अपने फ्रिज खोलते हो तो जूस भी पी लेते हो वो लोग मेहनत नहीं करते काम नहीं करते फिर कहते हैं कि हमें क्यों नहीं मिलता तो मकसद ये है कि अगर सारे दुनिया मेहनत करने लग जाए काम करने लग जाए तो अल्लाह ताला तो कहता है कि इस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मज़हब को मानते हो कि नहीं मानते तुम तो मुसलमान हो या ईसाई हो यादी हो या कुछ हो मैं तुम्हें मैं रब हूँ हर एक को देने वाला हूँ हर एक को पालने वाला हूँ उसके पालने के समान कर देता हूँ और वो अल्लाह ताला करता है अगर बिलफर्ज खुदा नहीं है अगर उससे कहो अगर खुदा नहीं है तो फिर इसका इल्ज़ाम किसको दोगे अगर खुदा नहीं है तो फिर अगर उनकी नीड पूरी नहीं हो रही जरूरत पूरी नहीं हो रही तो फिर कौन उसका जिम्मेदार है पूछा सर तो उसे पूछो ना अगर फिलफर्ज एक मिनट के लिए मान लो अल्लाह नहीं है खुदा नहीं है और अगर जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कौन उनको सफ़र करवा रहा है वो अपनी वजह से कर रहे हैं ना तो खुद अल्लाह ताला ने तो पहले कह दिया है कि तुम जब नुकसान पहुँचाते हो तो अपनी वजह से पहुँचाते हो मेरी वजह से नहीं पहुँचाते मैंने तो तुम्हें ऑप्शन दी है कि ये करो बल्कि बाद दफ़ा तो मुइजे हो जाते हैं कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते लेकिन अल्लाह ताला पे यकीन होता है अपनी मेहनत कर ली अपने वसाइल पूरे कर लिए फिर अल्लाह ताला पे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला पूरे करेगा अब हजरत मसीम के वाक़ आते हैं जब आपने किया मसलन लंगर खाने की, का ही एक मीर नासिर नवाज़ साहब आए उन्होंने कहा जी लंगर खाने का उनका काम था ना कि पैसे ख़त्म हो गए आपने कहा कि वहाँ पैसे पड़े हुए हैं एक थैली पड़ी हुई है जाओ हजरत अम्मा जान को कहा कि उनका उनसे कहो दे दें उन्होंने दे दिए पैसे अगले दिन फिर आए जी वो पैसे भी ख़त्म हो गए हजरत वसीम वाल साहब ने कहा कि अच्छा जाओ हजरत अम्मा जान से कहो कि अपना जेवर जो है ना वो दे दें उन्होंने वो दे दिया सोने का जेवर था वो बेच दिया हु? अगले दिन फिर भी नासन अब साहब आए कि जी वो जो सोने का जेवर बेच के पैसे आए थे मेहमान इतने आ गए वो भी ख़त्म हो गए अब क्या करें हजरत ने फरमाया कि जो दुनियावी वसीले थे वो मैंने इस्तेमाल कर लिए सारे अब अल्लाह मियाँ ने मेरे से वादा किया हो कि मैं तुम्हें दूँगा वैसे ही दूँ तेरी ज़रूरतें पूरी करूँगा तुम्हारी जितनी ज़रूरत है तुम्हारी जितनी नीड हैं वो तो सारी पूरी करूँगा अब हम दुआ करते हैं अल्लाह मियाँ आप ही दे देगा ठीक और उसके थोड़ी देर बाद बाहर से कुछ मनी ऑर्डर आए कुछ चेक आए इतने ज़्यादा आए कई महीनों के लिए खर्च पूरा हो गया ठीक है तो जो अल्लाह ताला से लोग दिल लगाते हैं और फिर मेहनत भी कर लेते हैं अपनी अपना तरफ से पूरा कर देते हैं हक अदा कर देते हैं फिर अल्लाह ताला उनकी ज़रूरत पूरी कर देता है अब इसने किस्सा सुनाया हज मिर्जा शरीफ साहब का मसला कि उनका यहाँ आए वो नाइनटीन की बात है।, है उस वक्त नो उससे पहले थे हाँ या उस दौरान में थे दो तीन दफ़ा आ चुके हैं बहर तो असिस्टेंट रखा हुआ था अंग्रेज़ ईसाई था वो उसने कहा जी आप खर्च करते चले जा रहे हैं उनका उनको उनकी तबीयत यह थी कि चैरिटी में बहुत ज़्यादा दिया करते थे किसी ने आगे मांग लिया उसको दे दिया उसने मांग लिया उसको दे दिया ये नहीं देखा कि अगले दिन मैंने क्या करना है नेक थे दुआएं भी किए करते थे नमाजें पढ़ते हजरत सलाम के बेटे भी थे तो लंदन में ही जब उसने कहा कि पैसे ख़त्म हो रहे हैं आप खर्च किस तरह करेंगे आप बड़ा खर्च कर रहे हैं उन्हें कोई फिक्र ना करो अल्लाह ताला इंतज़ार करो पूरा कर देगा तो अगले दिन ही एक जिसने उसने बताया कि एक बंदा आया उसने एक बहुत बड़ी रकम का चेंक दिया मिनट मेरे लिए दुआ करो हुँ? तो उसने उन्होंने कहा देखो अल्लाह ताला ने रकम दे दी ना तो इस तरह अल्लाह ताला नीड्स पूरी करता है ज़रूरत पूरी करता है अगर अल्लाह है तो ज़रूरतें पूरी करता है उससे दिल लगाओ बाकी जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनकी अल्लाह इस ज़रूरतें पूरी नहीं करता फिर वो भूखे मर जाते हैं ठीक समझ आई और उसे पूछो अगर अल्लाह नहीं भी है और ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसका फिर खुदा के अलावा कोई चीज़ होनी चाहिए ना रिस्पॉन्सिबल वो कौन है एचना उससे समझ आई कि नहीं आई चलो